अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन भारी मार्जिन से जीतने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इस वक्त कई चैलेंजेस दरपेश हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान की 7 अगस्त से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कहते हैं कि पनामा लीक्स पर इलेक्शन कमीशन और अदालतों समेत हर जगह वज़ीर-ए-आज़म का पीछा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से कई मामलों पर नाराज नजर आती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि कराची में रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से सिंध और वफाकी हुकूमत में भी ये वजह तनाज़े बन सकती है। अगर दुबई में पीपल्स पार्टी की क़यादत इख्तियारात के हवाले से अवामी तवक्कुआत के बरक्स अगर कुछ फैसला करती है तो फिर यकीनन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कुछ सख्त फैसले करना होंगे, जिससे हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीपल्स पार्टी PTI के नज़दीक भी आ सकती है, जिससे नून लीग की परेशानी मजीद बढ़ेगी। एक और मसला इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकरर भी है। सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुकी है कि आयन के मुताबिक ये तकरियाँ 27 जुलाई तक हो जानी चाहिए, लेकिन हुकूमत आइनी गफलत दिखाते हुए ने तखीर का शिकार करती नजर आ रही है और अब कहीं जाकर यह मामला कौमी असम्बली की पार्लियामानी कमेटी तक पहुंचा है। शेख रशीद का यह दावा है कि मुल्क की सियासत में आने वाले 100 दिन वज़ीर आज़म और हुकूमत के लिए बहुत अहम है। क्या मुल्क की हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जो वज़ीर आज़म या इनकी हुकूमत के लिए किसी बहरान का सबब बन जाए? क्या ये 100 दिन वज़ीर आज़म के लिए वाकई अहम है? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की बात करें तो सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के मसाइल का जो मंबा है ये एक बार फिर पाकिस्तान को करार दिया है। उनका कहना है कि अलकायदा और तालिबान से बड़ा ख़तरा पाकिस्तान से रियासती ताल्लुकात हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर अफगान तालिबान को पनाह का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के मुजरिम मुल्ला फजलुल्ला पर 11 मरतबा बमबारी की, मगर पाकिस्तान ने कभी हक्कानी नेटवर्क मुल्ला मंसूर अख्तर या मुल्ला उमर पर हमले नहीं किए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जब बेहतर मैनेजमेंट के लिए तोरखम पर गेट लगाने की कोशिश करता है तो अफगान फोर्सेस हमला कर देती हैं। 40 साल से पाकिस्तान 30 लाख अफगान मुहाजरीन को पनाह दिए बैठा है। पाकिस्तान उनकी वापसी की बात करता है तो अफगान हुकूमत उन्हें वापस लेने को तैयार नजर नहीं आती, जबकि भारत अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी अफगानिस्तान कुछ नहीं करता, फिर भी अफगान सदर मसाइल की तमाम जड़ पाकिस्तान को ही करार देते हैं, तो क्या ये हैरत अंगेज बयान नहीं? कल काबुल में होने वाली दहशतगर्दी के एक हमले में 90 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। आखिर क्यों अफगान हुकूमत मफामत के साथ पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल नहीं कर, दोनों मुल्क अपने मुश्तरका दुश्मन का इकट्ठे मुकाबला कर सकें? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। कराची से ज़फ़र हिलाली साहब हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम सब सेनेटर मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फतह तो यकीनन वज़ीर आज़म साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पनामा लीक्स के नतीजे में शुरू होने वाली तहरीक है? और अब तो कुछ ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी जा रही है कि उन्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी, वो सदर बन जाएँ, तो एम्यूनिटी के नतीजे में जरदारी साहब की मिसाल हमारे सामने है, गिलानी साहब का जो हाल हुआ वो हम सबके सामने है, तो क्या ये अच्छी तजवीज़ है वज़ीर आज़म साहब के लिए? देखिए, एक मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें यह है कि जो कश्मीर में कामयाबी हुई है वो तो अंडरस्टैंडेबल है, जो फेडरल लेवल पर कंट्रोल करता है वो कश्मीर के पैसे को कंट्रोल करता है, वो कश्मीर की अथॉरिटी को कंट्रोल करता है, लिहाजा उनके लिए जीतना आसान है। लेकिन कश्मीर की कामयाबी को आप पाकिस्तान मेन लैंड पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर कश्मीर में कामयाब हुए हैं वो मखसूस हालात हैं, यही हाल गिलगित बल्तिस्तान का होता है। आप देख लीजिए जितने इलेक्शन पहले हुए हैं, तो जो पाकिस्तान मेन लैंड की जब आप बात करते हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत को, वो है गैर यकीनी सूरत हाल। हमें नहीं पता कि आज से 2 महीने के बाद यहाँ क्या किसकी हुकूमत होगी, कौन इस मुल्क का वजीर आजम होगा, किस तरह ये हुकूमत। अगर ये सूरत हाल 2014 के धरने से ज्यादा खतरनाक होगी। देखिए, वो इस तरह खतरनाक हो जाती है कि अगर इस वक्त और पार्टीज इसमें शामिल हो जाती हैं, मसलन PPP अगर इसमें शामिल हो जाती है, अगरचे PPP इस वक्त दोनों बोर्ड्स में अपने कदम रखे हुए हैं, एक तरफ उनकी कोशिश है कि किसी वो तरीके फिर कहीं से पार नहीं लगती ऐसी कश्ती। हाँ, मतलब ये वो तो नुकसान ही होता, बाज़ा कश्ती फिसल जाती है और आप पानी में गिरते हैं। तो ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को ये समझना जरूरी है
कि पंजाब में जो पीपल पार्टी और इसकी पीएमएलएन की शनाख्त थी वो एक दूसरे के मुतबादिल थे, पीपल पार्टी या पीएमएलएन। अब 2014 में जब पीपल पार्टी पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई तो वो एक मुतबादिल की हैसियत पीपल पार्टी की ख़त्म हो गई है। लिहाजा पीपल पार्टी की अपनी शनाख्त पंजाब में अगर वो कुछ नहीं करते तो मेरा ख्याल है ज़ीरो हो जाएगी और उनके पास मेरा नहीं ख्याल कोई चॉइस है इसके अलावा कि वो इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ स्टैंड। लेकिन हम जफर इलाली साहब, सिंध की पीपल्स पार्टी और पंजाब की पीपल्स पार्टी, इसमें हम बयानात में तजादात देखते हैं। खुर्शीद शाह साहब ये फरमाते हैं कि खान साहब तो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, इत्तेहाद को नुकसान पहुंच सकता है। पिछले हफ्ते हमने कायरा साहब से बात की, मैंने कायरा साहब से सवाल किया कि आप जो खान साहब तहरीक चलाने जा रहे हैं, क्या आप उस तहरीक का हिस्सा होंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल हम साथ चलेंगे, बिल्कुल हम इकट्ठा होंगे। तो ये जो ओपोजिशन का इत्तेहाद है या ओपोजिशन का इत्तेहाद नहीं होता, इस तहरीक की कामयाबी आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद के साथ ही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि उनमें तो उनके लोगों के और उनके लीडर्स में तो कोई मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। उस दिन आपने पॉइंट आउट किया कि चीफ मिनिस्टर कह रहे थे के रेंजर्स जो हैं वो प्रोविंस इंटीरियर में नहीं आ सकते हैं, और फिर आपने किसी साहब का इंटरव्यू लिया जो एक मेंबर थे पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। ये पीपल पार्टी को तो छोड़ें जी, बात असल ये है पीएमएलएन का, पीएमएलएन और इमरान खान। मेरा अपना ख्याल है कि ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि कोई और पार्टी इतने जोश और फरोश से इनके पीछे और पैनामा लीक्स को एक्सपोज करने के लिए कोई और पार्टी, जमात इस्लामी तो है एक लिहाज से और पीएटी तो छोड़ें, वो तो एक ही मेंबर हैं मगर वो जो कादरी साहब हैं, मगर इमरान खान इज द लीडिंग द चार्ज। अब इमरान खान कह रहा है कि हमें इस पे इंसाफ चाहिए, और मेरे ख्याल में शाजिया मैं समझता हूं कि पूरा मुल्क कह रहा है कि भाई पैनामा लीक्स को भूल ना जाएं, कश्मीर के बारे में ना, इलेक्शंस के बारे में ये ना समझें कि हमारा कंसंट्रेशन हट गया है, हमारा डाइवर्ट हो गए हैं और हम उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात होगी अगर इतना बड़ा वेटी एविडेंस आपके लीडर्स के खिलाफ बस उसको आप रद्द करके कहें अच्छा चलो करप्शन का चार्ज है, अरे यार ये तो होते रहते हैं, चलो आगे बढ़े। नहीं, माफ करिए, यू हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ पैनामा स्कैंडल, यू हैव टू फाइंड आउट वाकई ये हुआ है कि नहीं, और अगर आप नहीं करें तो फिर मैं आपको वादे करके कहता हूं कि ये ऐसा एग्जाम्पल होगा कि चोरी विल बी लिजिटिमाइज और पाकिस्तान में फिर हर आदमी अगर चोरी करेगा कहता है मैं क्यों नहीं करूं, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है मिसाल के तौर पर। सर अब्दुल कयूम साहब, क्या आप लोग वाकई जो पनामा लीक्स के नतीजे में तहरीक शुरू होने वाली है, हुकूमत क्या वाकई से अपने लिए खतरा समझ रही है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया एक तो शुक्रिया आपने बुलाया, और मुझे ये भी फख्र है कि दो बड़े एमिनेंट स्कॉलर्स और एनालिस्ट मेरे साथ हैं और मैं इनकी व्यूज़ की कदर करता हूँ। देखिए, आपने बात शुरू की है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े चैलेंजेस क्या हैं डिस्पाइट एक एक इलेक्शन। मैं समझता हूँ दयानतदारी के साथ कि बड़ा चैलेंज तो उनके पास इकनॉमिक रिवाइवल है, उनके पास एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं और मिलिटेंसी है, एंड इन एडिशन टू दैट बैनुल अक्वामी आइसोलेशन, ऑफकोर्स पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो आप डिस्कस कर रही हैं, हम सिर्फ फोकस पॉलिटिकल, इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक चैलेंज है, फॉर श्योर चैलेंज है, और उसको उन्होंने हैंडल करना है। और सो फार आप ये देखें कि सिंस 2013 यानी उस इलेक्शन के रिज़ल्ट से लेके बल्दियाती इंतखाबात, कंटोनमेंट के इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस को 32 में से 28, अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, तो एक सियासी लीडर के लिए जो थ्रेट होती है वो यही होती है कि पब्लिक में उसकी पजीराई ख़त्म हो जाए। आपने पनामा की बात की तो देर इज़ नो क्वेश्चन कि पनामा को भूला जाए, या कोई भी जीओश बंदा ये कहेगा कि अगर कोई बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है या उसके ऊपर कोई ब्लेम आता है तो हम वो छोड़ दें कि वो करें। यस, आपकी कोर्ट्स खुली हैं, आपके पास मीडिया आज़ाद है, आप अपने तौर के ऊपर हुकूमत के साथ मिलकर उसके ऊपर बातचीत हो रही है, और वो तो कोई देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ वहाँ से एस्केप की बात है, वहाँ वो अपने तौर पे अपना केस को फाइट करेंगे और सुरखरू होंगे।
लेकिन हमें बिगर इश्यूज पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना। अभी वी लेकिन पीपल्स पार्टी तो एक और इशू खड़े किए बैठी है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आजाद कश्मीर में जो आप लोगों ने धांधली की, हम तो इसकी भी तहकीकात करवाने हैं, कचरा रहे हैं। आप लोगों के लिए तो एक और इशू खड़ा हो गया। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने दे, मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पहले 2013 के इंतखाबात में आप लोगों पर धांधली का इल्जाम, अब आजाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदी। जनरल साहब, अपोजिशन ने पानामा के मसले पर तो आप लोगों को जकड़ा ही हुआ है, मुस्लिम लीग ने उनको, हुकूमत को। अब ये आजाद कश्मीर में धांधली कहां से आ गई, इसकी भी वो तहकीकात कराना चाहते हैं। किस किस महाज पर लड़ेंगे आप? देखिए, मैं आप जैसी एंकर से और मेरे जो दो मेहरबान दोस्त बैठे हैं इनसे ये तवक्कु करता हूँ कि हमें गैर जानबदारी से एब्सोल्युटली केसेस को मैरिट पे देखना है, बिल्कुल सही, और प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। मैं आपको अश्योर करता हूँ एंड ऑनेस्ट टू गॉड, मैं ये अपने दिल की, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, कि ये जो एक रिवाज बन चुका है ना, आप देखें कि 2013 में एक अबूरी हुकूमत थी और इस हुकूमत ने इलेक्शन जीते और आउटराइट जीते, और अभी सारे ये जो बाई इलेक्शन भी उतरे, और अभी तो पीपल पार्टी की अपनी हुकूमत थी कश्मीर के अंदर, और फ़र्क आप देखें को 2000-4000 दो सीटों का, पाँच सीटों का, दस सीटों का नहीं है। तो इसलिए आई थिंक ग्रेसफुली हमें रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, दैट वेरी गुड। कल परसों भी मैंने कहा कि ये जमहूरियत की फतह है और ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। जिन्होंने हारा उनको भी मुबारकबाद देते हैं, बिकॉज उन्होंने एक एफर्ट किया है। तो हमें होम ऑन करके इन छोटे इशूज़ के ऊपर नहीं अड़क जाना चाहिए। देखिए, पानामा लीक का मसला है, उसको आगे चलना बड़ा ज़रूरी चाहिए, और पूरी तौर के ऊपर आप कानून बनाए जो करें, और उसके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन देखिए, जब तक टीओआर पर आप लोगों का कंसेंसस नहीं होगा, पनामा लीक्स का मसला आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को टीओआर बना के दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आप लोगों की बहुत सिटिंग्स हुई अपोजिशन के साथ, लेकिन कोई मामला नहीं बन सका। तो पनामा लीक्स का मसला ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। देखिए, बात यह है कि जो टीओआर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिए थे, जिसने उन्होंने वापस कर दिए, मोर और लेस वही टीओआर उस कमेटी को दे दिए गए जो अपोजिशन की है, यानी उसी बात को दे दिया गया। और इस वक्त पानामा में कोई प्रोग्रेस नहीं है, मामला रुका हुआ है, और अपोजिशन शोर मचा रही है। गवर्नमेंट की कैलकुलेशन ये है कि इमरान खान की ये कोशिश नाकाम हो जाएगी, किसी तरह पीपल पार्टी को इससे बाहर रखा जाए, और ये सिंगल पार्टी पीपल्स पार्टी भी लगता नहीं है कि वो सेंटर में कहीं खड़े नहीं हो पा रही है। देखिए, पीपल पार्टी का अपना एक इंटरनल डायलमा है कि जहाँ तक तो पंजाब में जो मेंबरान हैं, जो एक रियलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, वो ये समझते हैं कि पंजाब में पीपल पार्टी का मुस्तकबिल यही है कि एक मुतबादल पार्टी के तौर पे ज़िंदा रहे, वो एक अफिलिएटेड पीएमएलएन की अफिलिएटेड पार्टी के तौर पे ज़िंदा नहीं रहेगी। अगर उसने अफिलिएट होना है तो लोग पीपल पार्टी क्यों ज्वाइन करें? लोग पीएमएलएन ज्वाइन करें, जो रूलिंग पार्टी है, जो आपको फ़ायदा दे सकती है। पीपल पार्टी तो फ़ायदा नहीं दे सकती, कम से कम पंजाब में नहीं दे सकती। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल पार्टी को यह फैसला करना पड़ेगा कि उनका मुस्तकबिल क्या है। जो मौजूदा पॉलिटिक्स है, वो आप एक सिंध के रूरल एरिया की पार्टी रह जाएंगे, और बाकी जो पंजाब में, तो आप मेरा ख्याल मामला इसका जो है पीपल पार्टी का ज़ीरो हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। हाँ, अगर आप अपनी शनाख्त को कायम रखते हैं और अपना एक नुक्ता नज़र पेश करते हैं, मसलन जिस तरह आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में इंक्वायरी होनी चाहिए, कश्मीर के इलेक्शन में इंक्वायरी बेकार है, क्या इंक्वायरी होगी? बिल्कुल बेकार है। अगर आपको कोई एतराज है, आप सेंटर में बैठे थे तब आपने भी यही रूल किया था, देखिए ना, इससे पहले पीपल पार्टी जीती है, बिल्कुल 2013 से पहले जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ पीपल पार्टी जीती है, अब पीपल पार्टी हार गई है, तो कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं। अगर उनको शिकायत हैं तो शिकायत को स्पेसिफिकली लोगों के पास लेके जाएं, अगर लोग आपको सपोर्ट कर देंगे तो ठीक है, वरना इस किस्म के बयानात देने से, तकरीरें करने से मेरा नहीं ख्याल कि पीपल पार्टी अपने मुश्किलात से बाहर निकल सकती है। ज़फ़र इलाली साहब, ये हुकूमत ये पनामा लीक्स के मसले से निकल कैसे सकती है? देखिए, निकल एक ही तरीके से सकती है, अगर अवाम अगर डिटर्मिंड हो कि इंसाफ हो,
और अगर अवाम डिटर्मिंड हो और लीडरशिप ठीक हो तो शायद निकल सकती है, मगर लगता नहीं है कि अवाम इतनी डिटर्मिंड है। मेरा ख्याल में अवाम का अटेंशन अब डाइवर्ट हो गया है, काफ़ी वक्त गुजर गया है, और वैसे ही वे समझते हैं ज़्यादातर कि हमारे पॉलिटिशियन अक्सर चोर होते हैं, तो इनके पीछे एक और चोरी इन्होंने की है तो क्या बड़ी बात है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन कमीशन की जो चालाकी अब हो रही है ये तो काबिले एतराज़ है, और जनरल कय्यूम मेरे दोस्त हैं वो भी मानेंगे जब मैं उनको अभी एक फैक्ट बताऊंगा। देखिए, सरदार रजा साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, 2014 में वो अपॉइंट हुए थे। किसने अपॉइंट उनको किया था? पीएमएलएन और पीपीपी ने। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एक है फतेह याकूब साहब, वो कब अपॉइंट हुए थे? 2014 में। किसने उनको अपॉइंट किया था? एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, इन अदर वर्ड्स पीएमएलएन। उनको रिटायर करना था नवंबर 2015 में, मगर आप हैरान होंगी, जबरदस्त उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। और जब उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला तो किससे मिला? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है कि आप सेक्रेटरी माने किसी को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। उन्होंने एक्सटेंशन नहीं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से दिया, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दिया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसको एक्सटेंशन दिया? जिसको वो एक्सटेंशन दे नहीं सकता। मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में होता है, जब तक वो रिटायर होके इलेक्शन कमीशन में अब्सॉर्ब नहीं होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट गिव एन एक्सटेंशन गवर्नमेंट सर्वेंट को, वो नहीं दे सकते। मगर इनकी इतनी क्या कहते हैं ये है डिजायर है कि भाई अगले इलेक्शन में हमारे लोग सब साथ हो, कि उन्होंने दे दिया है। अब लोग सब कोर्ट्स में जाएंगे और अब आप देखेंगे क्या मजा आता है। लेकिन कंसेंसस तो अभी भी नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकरीरी पर कंसेंसस तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा? जाहिद हामिद का एक नाम है जी एज वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, आई मीन इट्स लाफेबल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म होना है, पार्लियामेंट को किधर लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि पार्लियामेंट वो रिफॉर्म करेगा? जी पार्लियामेंट एक स्टेक होल्डर है और बेनिफिशियरी है, हम भी बेनिफिशियरी है एज द पब्लिक एज द अवाम। ये मुझे आप बताएं किधर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जाके इलेक्शन कमीशन को, मैं समझता हूं उसका रिफॉर्म आफ्टर इंटेंस पब्लिक डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद एक रेफरेंडम होनी चाहिए। ये क्या कि एक स्टेक होल्डर जाके कुछ रिफॉर्म कर देता है विच सूट्स देम, जब आपकी मेजॉरिटी है ये रिफॉर्म आप ले आते? ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं इस मुल्क में। आई एम सॉरी टू से शाजिया, आई एम एंडिंग बाय सेइंग इस मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम है मगर डेमोक्रेसी नहीं है। सही, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आके आते हैं तो इलेक्शन कमीशन के अरकान की जरूरत का मसला है जनरल साहब से सवाल करेंगे कि 12 जून पर इनकी मियाद खत्म हो रही थी लेकिन हुकूमत और अपोजिशन ने हठधर्मी का मुजाहरा क्यों किया, इस मसले को इतना डिले क्यों किया कि एक महीना गुजर जाने के बावजूद भी नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुश आमद है जनरल साहब। इस हकीकत से तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों आगाह थे कि 12 जून को इलेक्शन कमीशन के अराकीन की जो तकरीरी इनके मियाद की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है, आप लोगों को तो चाहिए था 12 जून से भी 40-45 दिन पहले सारे प्रोसेस को शुरू कर लेते, मुशावरत कर लेते, नाम फाइनल करते, ताकि जैसे ही ये पहले लोग रिटायर होते नए लोग इनकी जगह ले लेते, एक आईनी इदारा जो था वो इस तरह से खाली ना पड़ा हुआ होता। एक माह गुजरने के बावजूद भी अभी कंसेंसस नहीं हो सका, आप समझ लें कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही गफलत की मुर्तकिब है, दोनों ने गफलत का मुजाहरा किया। शाजिया देखे, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आप रेज कर रही हैं और आई एम श्योर कि इसका जवाब हमारी कंसर्न्ड जो मिनिस्ट्री है उसको ही देना चाहिए। आई क्वाइट एग्री विद यू के ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए वेल इन टाइम सोच के इनकी जो चेंज ओवर है वो इन टाइम होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, एक तो बात यह। नंबर टू, जफर लाली साहब ने एक दो चीज़ें कहीं कि कुछ लोगों की तैनाती हुई और एक्सटेंशन हुई। मैं ये समझता हूँ कि जफर साहब जो भी कह रहे हैं आई एम श्योर वो ठीक कह रहे हैं, अगर ये सच है तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। पॉइंट ये है कि देखिए, अगर कोई गलती करता है कि कोर्ट का डिसीजन था, फिर इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी नहीं थी, उन्होंने ऐसे किया तो क्यों किया,
इसके लिए एक महजब माशरे के अंदर आपके पास अदलिया का एक फोरम है, वहाँ इसको ले जाया जाए। तीसरा पॉइंट जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो आप ये देखें कि जहाँ भी मुल्कों में जमहूरियत है वहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही इकट्ठे बैठ के पार्लियामेंट तश्कील होती है और वही आइन बनाती है। उसी आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, आपके सारे इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, उनके चीज़ें तय होती हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन। अभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हमने सेनेट में भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है इधर भी, और अभी ऑलमोस्ट वो फाइनलाइज्ड है। दूसरे ममालिक की जमहूरियत की मिसाल देंगे तो दूसरे ममालिक की जमहूरियत में अगर किसी पर कोई छोटा सा भी इल्ज़ाम लगता है तो वज़ीर आज़म तक के ओहदे के जो लोग हैं वो अपने ओहदों से इस्तीफे दे देते हैं। इसलिए अपनी जमहूरियत तक रहे, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। देखे ना, यहाँ इल्ज़ाम लगाने वाले भी तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट एवरी डे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं जो ऑफ द कफ होता है और उसका कोई सबूत उनके पास नहीं होता। तो देयर फोर आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह की ट्रेडिशन है कि इल्ज़ाम किसी ने लगाया तो आप फौरी तौर पे अलग हो जाएं। अदालतें हैं, एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, अवाम अवेयर है, मीडिया आप जैसे लोग बड़े एक्टिव हैं, पार्टीज़ अपने तौर पे जमहूरियत के अंदर अपना रोल एग्जैक्ट करती हैं, तो वो पोलिटिकली एक दूसरे को ज़रूर निपटें। और अपोजिशन का रोल है, दूसरों का रोल है, कोई भी यानी पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में कोई बंदा भी किसी तरीके से भी कोई इरेगुलरिटी करता है तो उसको कानून के कटारे में आना चाहिए। लेकिन हम ग्रेजुअली आगे चलेंगे ना, आप फौरी तौर के ऊपर ये जो 200 साल या 300 साल पुरानी जमहूरियतें हैं उनके लेवल पे आपके इंस्टीट्यूशन आहिस्ता आहिस्ते ही पहुँचेंगे। वी डू अवर बेस्ट, वी डोंट वॉन्ट टू टेक 300 ईयर्स, बट एट द सेम टाइम अल्लाह का करम हमने काफ़ी फैसला तय कर लिया है। आज जो आज़ादी पाकिस्तान के अंदर है, हम सब खुल के अपने दिल की बात करते हैं, आई थिंक ये एक अल्लाह की नेमत है और हमें इसको आगे चलाना है। और ये जो आप प्रेशर भी क्रिएट करते हैं एक दूसरे पे, ये भी बड़ा वैलिड है। अपोजिशन का ये हक पहुंचता है कि वो गवर्नमेंट के गरीबान को पकड़े अगर ये गलती करते हैं, मीडिया का भी ये है। लेकिन आप देख लें कि मीडिया के अंदर भी धड़े हैं। आप सिर्फ इस एग्जाम्पल को लेकर, मियाँ नवाज शरीफ साहब को तकलीफ हुई, उन्होंने कहा पानामा से भाग गए, अभी चले गए, इनका तो ऑपरेशन ही कोई नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा ये वापस ही नहीं आएंगे, आप पक्की बात है, फिर पैनल बनने शुरू हो गए। ये तो बात आप हुई है, ये तो बात आप हुई है, नाइमुल हक साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ। किसी एक चैनल ने किसी एक पॉलिटिशियन ने माफी नहीं मांगी कि यार ये तो गलत, हमने एक बिल्कुल स्पेकुलेटिव। मैं अभी एक दो हफ्ते पहले इंग्लैंड में था और वहां उन्होंने, आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर बनाई है वो भी यूरोपियन यूनियन से एग्जिट की मुखालिफ थी। लेकिन मैं लेबर लीडरों से बात कर रहा था कि आप इसको क्यों नहीं उठाते कि कैमरन ने तो इस पॉइंट पे रिजाइन कर दिया है, आप क्यों नहीं। उन्होंने कहा नो जल साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, ये पहले ही जो 2-3 हफ्ते गुजरे हैं इसमें हमारी इकानमी ऊपर नीचे होगी, हमारे पोलिटिकल इंटरेस्ट अपनी जगह हैं, लेकिन मुल्की मफाद हम सब के लिए सुप्रीम है और देयरफॉर हम चाहेंगे कि हमारी ये सिस्टम चलता रहे। और ये बड़ा अच्छा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर आ गया, हमें भी पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है। हम एक बहुत फ्रेजाइल उस दौर से गुजर रहे हैं। ये आपका जो ये सी पैक का हर ऑपोजिशन हुकूमत में आकर यही कहती है और हर हुकूमत ऑपोजिशन में आकर यही कहती है। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप तो ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है भाई जी। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस आदमी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ जरूर कोर्ट जा सकते हैं और लोग कोर्ट जाएंगे। मेरा मतलब था इस बात करने का कि शो कि ये बैड फेथ है, ये एक गिल्टी इंटेंट है और इस किस्म के एक्शन से लोगों की नफरत ऑफ अगेंस्ट द सिस्टम और इंट्रा पार्टी डिफरेंसेस बढ़ते हैं। कहने की बात यह है कि जब आपको, आप एक आदमी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाना चाहते थे, मगर जब आपने सोचा कि यार वो एक साल में रिटायर होगा और हम उसको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, तो आपने उसको कहा कि इलेक्शन कमीशन में लगाओ। और उसके बाद जब 15 नवंबर 2015 में उसका वो ख़त्म होता है, हम कोर्ट की डिसीजन को वायलेट नहीं करेंगे मगर उसको 18 तक हम इलेक्शन कमीशन में रखेंगे, तो थ्रू द इलेक्शन कमिश्नर उसको एक्सटेंशन दिला दें। देखिए, मैं इस बात पे मैं नहीं समझता, आई डोंट नो द मैन, मैं उसके खिलाफ नहीं, शायद अच्छा आदमी हो। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म के एक्शंस
ओनली हाइटन सस्पिशन। अब देखिए, जैसे मैंने उस दिन कहा था, एक चीफ सेक्रेटरी है आजाद कश्मीर में, जब वो आता है, जब रिजल्ट्स आते हैं, फौरन लोग कहते हैं कि धांधली हुई, क्यों, 80% ऑफ द सीट्स आर वन बाय PMLN। वही आदमी जब बाल्टी गिलगित बाल्टिस्तान में पोस्टेड है, वही राजा सिकंदर, जो उधर जब इलेक्शंस होते हैं तो 90% निकल आता है PMLN का। देखिए, मुझे नहीं पता कि उसने कुछ किया है कि नहीं, मैं सिर्फ, ये कोइंसिडेंस है क्या, ये क्या है जो लोग पॉइंट आउट करते हैं। वो जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जाके कहता है कि 50 मिलियन रुपया बटे हैं और लोगों को पैसे वैसे दिए थे, वी नो के पैसे काउंट, मैं तो सिंध में आपको कह सकता हूं और लिख के दे सकता हूं कि पीपीपी को आप कभी नहीं हरा सकते जब तक आप ये पैसों का ना कंट्रोल करें और जब तक आपके पास आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो बिल्कुल आजाद और न्यूट्रल ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमतें क्यों इस्तेमाल करती हैं? आप देखिए, रेंजर्स के इख्तियार की बात करें, उसको डिले किया जा रहा है। पनामा लीक्स की बात करें, TORs पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनकी तकरारी का मामला देखें, उसको डिले किया जा रहा है। डिलेइंग टैक्टिक्स क्या हुकूमतें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं? देखिए, एक तो ये डिसीजन मेकिंग स्टाइल है हमारे यहाँ, बात को पोस्टपोन करते रहो और जब वक्त निकल जाएगा तो उसके बाद हम उसको फैसला कर देंगे। दूसरा ये है कि ओब्लाइज करने का एक तरीका होता है, चीज़ को आप डिले करो, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो भाग दौड़ करते हैं और आप ज़ाती लेवल पे फिर एक फेवर करते हैं कि हम आपका नाम इस जगह पेश कर रहे हैं, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर इस तरह कराची में रेंजर्स की बात है, एक तरफ तो कहा जाता है कि रेंजर्स का बड़ा अच्छा रोल है, उन्होंने सिचुएशन की है, हम इसको एक्सटेंशन देंगे, सवाल ये है कि अगर आपने एक्सटेंशन देनी है तो दूध में मेंगने डालने की क्या ज़रूरत है? यहाँ आके जब आप ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत काम किया या किसी अदारे ने गलत काम किया, आप कोर्ट में जाइए। देखिए, अदारे इस मुल्क में इसलिए मजबूत नहीं होते, इसलिए मुस्तहकम नहीं होते कि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने जाती तरजीहात पे फैसले करते हैं और फिर हर बंदा कोर्ट जा नहीं सकता। देखिए, मैं अगर कोर्ट में जाऊं और कहूं कि ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के साथ ये है, तो कोर्ट कहेगी आपका क्या इंटरेस्ट है, आर यू कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट? मैं नहीं हूं जाहिर है कैंडिडेट। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे अदारों को अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करनी चाहिए और जो कारपरदाने अदारे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके बारे में कोई बात ना कहे, और अगर उनके बारे में बात कही जा सकती है तो इंप्रेशन तो यहाँ ये है ना कि जो मर्जी कर लो, यू कैन गेट अवे विद, पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कम से कम जब तक आप पावर में है वो कोई नहीं। हाथ नहीं लगा जब सकता। चले जाएंगे आप दुबई चले जाना, आप लंदन चले जाना। बिल्कुल सही जनरल साहब, अगर रेंजर्स अख्तियारात को सिंध हुकूमत महदूद कर देती है, उनको जिस तरह के कहा जा रहा है कि वो पूरे सिंध में उनको ये हक हासिल होना चाहिए, उनको ये अख्तियार होना चाहिए कि वो कहीं भी जराइम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, अगर ये इन अख्तियारात को महदूद किया जाता है तो इसमें फिर फेडरल का, वफाकी हुकूमत का क्या किरदार होगा? देखें, ऑर्डिनरली तो शाजिया मसला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं, एक ये ट्राइबल बेल्ट, एक बलूचिस्तान का और एक ये कराची का, और ये रिलेटेड हैं कौमी सलामती के इश्यूज के साथ, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटीज हैं एंड एक्सटर्नल लिंकेजेस हैं, सो देयरफॉर ये एक्सक्लूसिवली प्रोविंस का डोमेन उस तरह से नहीं है। दैट इज द रीजन कि उनकी सपोर्ट के ऊपर सब कुछ है, ये फेडरल फोर्स है और उन्होंने अपने कानून के मुताबिक उनको साथ रखा हुआ है और हम समझते हैं कि अभी भी उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है और हम समझते हैं कि एक एडमेंट है एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एक एक जमहूरी दौर में और वो इस तरह वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं और इसके फैसले सेंसिटिव नेचर के, कौमी सलामती के फैसले दुबई में जाके एक ऐसे बंदे की सदारत में कर रहे हैं जिन्होंने ओथ भी नहीं ली हुई, तो कई दफ़ा डिफरेंस हो जाता है। उसका आईनी हल फिर ये होता है कि आप वहाँ गवर्नर रूल लगाते हैं, आप कहते हैं कि ओके अभी इसके मुताबिक ये चलेगा जब तक कि ये थ्रेट ख़त्म नहीं होती होती। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सिचुएशन वहाँ तक जाएगी। आई एम श्योर कि अभी इन्होंने मीटिंग अपनी कर ली है, वो आ गए हैं और उनको पता है कि रेंजर्स की मदद के बगैर अभी तक उनकी पुलिस इस पोजीशन में नहीं आई, तो देयरफॉर अगर ये सब पता है तो सवाल तो मेरा फिर वही है कि डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों? अगर ये सिंध हुकूमत जानती है कि रेंजर्स के बगैर कराची के हालात को संभाला नहीं जा सकता तो फिर रेंजर्स के इख्तियारात के मसले को 3-3 माह के बाद क्यों उठाया जाता है? या उसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स अपनी कोई नहीं है, बाहर बैठे हुए पर्सनालिटी एक उनको कंट्रोल करती है,
उनको गवर्नेंस का कोई एब्सोल्यूट कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ये स्टेट अपरेटस चलते कैसे हैं और इनकी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं। तो आई कैन अश्योर यू कि रेंजर्स का आज ये जनरल बिलाल है, कल कोई और होगा, उससे पहले कोई और था। और ये सिचुएशन तो मुझे 93-95 जफर लाली साहब जानते हैं, उस वक्त मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था, ये एडिशनल सेक्रेटरी थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। सिचुएशन गंभीर थी और हमने कह के और बिल्कुल खुद रिक्वेस्ट करके रेंजर्स को बुलाया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को बेहतर करने की बजाय हमने उसको डिस्ट्रॉय करते गए। 34 किस्म के DSPs भर्ती करने थे, वो उन्होंने कहा कि ओके ये MNAs को चार चार वैकेंसियाँ दे देते हैं, वो लोग आज SP हैं और SSP हैं। अदारों को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी जी और आज के सिंध पुलिस का यह हाल है कि करप्शन के इल्जामात में, करप्शन के चार्जेस में उनकी गिरफ्तारियों की सिफारिशें की जा रही हैं नैब की जानिब से। मुझे ब्रेक लेने नाजिन, एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमद डॉक्टर साहब, कल अफगान सदर ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान से शिकायतों की अंबार लगा दी और कहा कि पाकिस्तान से जो रियासी ताल्लुकात हैं अलकायदा और तालिबान से भी बड़ा खतरा है और पाकिस्तान तालिबान को पनाह देता है। तो बात यह है कि जब पाकिस्तान बाड़ लगाने की बात करता है, बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करता है, तो अफगान फोर्सेज हमला कर देती हैं, तो ये दोहरा मियार क्यों अफगानिस्तान की पॉलिसीज में? देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत के अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने बेशतर मसाइल का मलबा जो है वो पाकिस्तान के दरवाजे पे गिरा देते हैं कि जी अफगानिस्तान में तो हर चीज़ ठीक ठाक है, बड़ा अमन है, आश्ती है, तरक्की हो रही है, हिंदुस्तान वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है। ये कही कल उन्होंने बात सदर साहब ने, सदर उसने कहा अशरफ गनी ने कि जनाब हिंदुस्तान तो यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, अच्छा हर चीज़ ठीक है, खराबी क्या है? ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये भी अफगानिस्तान को नज़र नहीं आता, ये नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, दूसरी उनको इनकरेजमेंट मिलती है अमेरिका के रवैये की वजह से, क्योंकि बेसिकली अगर अमेरिका अपना हाथ अफगानिस्तान से उठा ले तो उनकी आर्म्ड फोर्सेस का खर्चा नहीं पूरा हो सकता, बेशतर खर्चा तो वो अमेरिका पे और नेटो वाले उसको पे करते हैं। तो एक तो अमेरिका की शह है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस की तो वो दावे बड़े कर रहे थे उनकी कामयाबी उनकी नहीं, अफगानिस्तान की फोर्सेस में डिफेक्शन का रेट बहुत हाई है कि लोग छुट्टियों पर जाते हैं, बमें असले के वापस नहीं आते, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अनइवन है। ठीक है कुछ यूनिट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बेशतर यूनिट्स की परफॉर्मेंस उनकी जो है वो बहुत पुअर है। और अब देखिए पाकिस्तान के जो अमेरिका के रोब में आ जाता है वो उसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वेस्ट के ऊपर, तो लिहाजा पाकिस्तान का मसले का हल ये है, चाहे वो अफगानिस्तान है चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। जब तक आप इकोनॉमिकली अपने पाँव पे खड़े नहीं होते तो अमेरिका आप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, अमेरिका IMF के जरिए प्रेशर बिल्ड कर सकता है, अमेरिका वर्ल्ड बैंक के जरिए कर सकता है, अमेरिका बायलैटरल एड के जरिए कर सकता है, अमेरिका अफगानिस्तान के जरिए आप पे प्रेशर बिल्ड कर सकता है। तो अगर हम इस बात पे तरजीह दें कि पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर करना है और हमें अपनी स्ट्रेंथ अपने अंदर से निकालनी है, तो मेरा ख्याल यह है कि एक दो साल में ना आपके अमेरिका इतना आप पे रोब डाल सकेगा और ना अफगानिस्तान। सही जफर इलाली साहब, अफगानिस्तान की अपनी शिकायत है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की अपनी शिकायत है अफगानिस्तान से, तो इन शिकायत को मिल बैठकर हल क्यों नहीं कर लिया जाता? देखिए बात असल ये है कि कारजाई साहब तो बड़े झूठ बोलते थे और लोग समझते थे कि जब गनी साहब आएंगे तो झूठ कुछ कम हो जाएगा, झूठ तो इधर ज्यादा हो गए। लेट्स एग्जामिन, दो मिनट के लिए थोड़ा सा देखें वो क्या कहा उस इंटरव्यू में। उन्होंने ये कहा कि काबुल जो है सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड कर रहा है। भाई आधा कंट्रोल, आधा अफगानिस्तान तो तालिबान के हाथ में, आधा से ज्यादा तो आप क्या सक्सेसफुली कर रहे हैं आप डिफेंड? दूसरी बात वो कहते हैं कि हम फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो कॉम्बैट नहीं कर रहे हैं। रियली रिमार्केबल, माने स्पेशल फोर्सेस हैं, ड्रोन्स हैं, एयरफोर्स है और ग्राउंड ट्रूप्स हैं, रोज वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये कह रहा है कि वो कॉम्बैट में नहीं हो रहे, क्या मतलब आपका? तो वो क्यों है उधर? तीसरी बात उसने कहा कि वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, 20% तो डिफेक्शन रेट है उनका, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वो हाउ आर यू गेटिंग स्ट्रॉन्गर? बात असल ये है अमेरिकनों ने पता है उनको वो हार गए अफगानिस्तान में, वो जाना नहीं चाहते, और मैं अब समझता हूं कि शायद ओबामा एक रेजिडुअल प्रेजेंस इसलिए रख रहा है
کمپلیٹ راؤٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شاید چاہتا ہے کہ ہلری وہ جیت جائے، الیکشن جیت جائے. فائنلی یہ کہتا ہے جی 11 دفعے ہم نے فضل اللہ کو بام کیا ہے. کمال ہے جی، آپ کے پاس لیڈر گائیڈڈ مسائلز ہیں، نائٹ ویژن ہے، ڈرونز ہیں جو کبھی کسی چیز کو مس نہیں کرتے ہیں، اور 11 دفعے نہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کو 7 زندگیاں ملی ہوئی ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا اچھا چلیے، وہ بھی ہم مان جاتے ہیں اس کو شاید 7 زندگی ہے. اس کے معنی کیٹ کے پاس 9 لائفز ہوتے ہیں، تو ابھی تک 2 زندگی اس کے باقی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ لطیف اللہ مسعود کے ساتھ وہ کیوں گھوم رہے تھے؟ لطیف اللہ مسعود جو نمبر 2 ہے طالبان کا، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نمبر 1 کو مارتے ہیں، نمبر 2 کو نہیں مارتے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے، وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں ہم اٹیک کریں حقانیز کو. بھائی ہم اٹیک اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمیں نہیں کرتے، اور اگر ان کو آپ کہہ رہے ہمیں کہ ان کو ٹیبل پہ لاؤ، بھائی تو ٹیبل پہ کیسے لائیں؟ دیکھنے کے ساتھ اگر ان کو گولی مار دیں تو کیا ان کے لاشوں کو لائے ٹیبل پہ؟ آپ نے ملا منصور کو مار کے کیا کیا؟ تباہ کر دیا پورا ڈائیلاگ پروسیس، آپ نے اس کا ختم کر دیا. فیکٹ آف دا میٹر از حقانی ہمارے بارڈرز پہ اور افغان بارڈرز پہ وہ رہ رہے بفور دا کریشن آف افغانستان. پاکستان تو چھوڑے، بفور دا کریشن آف افغانستان دے آر فائٹنگ، وہ لڑ رہے کنٹرول آف افغانستان. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے اس میں دخل دیں؟ کیا ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے افغانستان میں کہ ہمیں ان کے جھگڑے میں دخل نہیں دینا چاہیے؟ جنرل صاحب ایک طرف بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک طرف ڈرون اٹیکس آپ جاری رکھیں، اور دوسری طرف آپ یہ امید رکھیں کہ طالبان آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاکس بھی کریں آ کے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں میں اپنے دونوں ظفر لالی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جو اشرف غنی صاحب کی فرسٹریشن ہے نا، یہ بیسیکلی ان کی انٹرنل ٹرمائل کی وجہ سے، جو بڑا سیریس ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. پولیٹیکل تو اپنی جگہ، اکنامک بھی ہے، سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 15 مہینوں میں 38 تو صرف امریکن سول اور ملٹری ہلاک ہوئے ہیں، اور بہت سی ڈیفیکشن ہوئی ہیں. آرمی کے اندر غیر پشتون لوگ 80% ہے ان کی، وہ سارا. پھر وہ کہتی ہے نا کہ ہم نے 11 حملے کیے اور بیت اللہ وہ جو ہمیں فضل اللہ نہیں ملا، وہ کیسے ملے گا کہ آپ کا کنڑ نورستان، پاکتیا، پاکتکا، ننگرہار، کھوسٹ، ہیلمنڈ، کندار، یہ سارے علاقے تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو آپ اوکیجنلی آپ نے جا کے کوئی اسٹرائک کی، وہ بھی اگر آپ نے صحیح نہیں کی تو وہ کیسے؟ اور آپ کو ادھر کر، اور پھر آپ بارڈر کو مینجمنٹ میں بھی یہ، یعنی دونوں سائڈوں سے ہو تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم اپنی طرف بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نہیں کرتے، تو یہ افسوسناک ہے. بٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اشرف غنی صاحب نے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا ہے، ہمیں ان سے انگیج کرنا چاہیے اور ان کو تھوڑی حوصلہ دینا چاہیے، اور یہ ضرور بتانا ہے کہ ہماری، ہم کبھی آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہم افغان طالبان کو ٹیبل پہ لے آئیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. ہمارا آنگن سین کھلا ہے، 35 لاکھ آپ کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ان کی واپسی کا بندوبست کریں، اور بیرونی دنیا والے بھی اور یونائٹڈ نیشن اور ویسٹ بھی یہ سوچے کہ پاکستان کب تک یہ ان کی جو ہے وہ کرتا رہے گا مہمان نوازی. ہمیں یہاں سے ان کو اٹھانے کے لیے مدد کریں، اور افغانستان کی مدد کریں کہ وہ ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کر سکیں، اور اس طرح کر کے آئی ایم شیور کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہم اپنے طور کے اوپر افغانستان سے مینٹ تو کرتے رہیں گے. لیکن ابھی امریکن حکومت چینج ہونے والی ہے، پلس انڈیا کا ایک عمل دخل ہے، پلس افغانستان کے اندر اسٹرانگ گورنمنٹ ہے نہیں انفارچونیٹلی، تو دیٹ از وائی جو ان کی اپنی ناکامیاں ہیں اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر وہ پھینکتے رہیں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے وہ بہت زیادہ ٹینشن بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یہ ہوئے ایران ہوا، ان کو انگیج ڈپلومیٹیکلی رکھیں، اپنے ہاؤس کو صاف رکھیں، اپنی طرف سے اپنی زمین کو استعمال نہ ہونے دیں، اور اپنے بارڈرز کو بیٹر مینج کریں، اور اپنی معاشی حالت کو ہم بہتر کریں، تو آئی ایم شیور ود دی پیسج آف ٹائم سچویشن امپروو ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب 8 نومبر کو امریکن الیکشنز ہو رہے ہیں، ریپبلکنز اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے خطے کا اور ہی چینج ہو جائے گا؟ دیکھیے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان کے امکانات ٹرمپ کے بعد، ٹرمپ کو نامینیشن ملنے کے بعد امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کے ویوز جو ہیں وہ ہمیں کافی پرومیننٹ نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ پورا ملک لیتے ہیں اور آپ بائبل بیلٹ سے باہر نکلتے ہیں
तो फिर वहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें बड़ी कम नज़र आती है कि ट्रंप जो है वो जीतेगा, अनलेस कोई बड़ा वाकया हो जाए। जिस तरह अभी जनरल साहब ने बात सही कही कि अगर अफगानिस्तान में कोई मेजर सेटबैक अमेरिकन्स को हो जाए तो फिर डेमोक्रेट मुश्किल में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन डेमोक्रेट्स को ये समझ आना चाहिए कि टेबल टॉक्स ही मसले का हल है। मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली टेबल टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। देखिए, असल में बुनियादी तौर पर गुफ्तगू के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुफ्तगू अपनी मर्जी से आप करना चाहते हैं, कुछ कंसेशन उनको देना नहीं चाहते, कोई उनकी बातें सुनना नहीं चाहते कि आप हथियार डाल के हमारे साथ आएँ, कोई अकोमोडेशन करनी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप जी जी हिलाली साहब जी जी हिलाली साहब जी हिलाली साहब मैं जी मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तालिबान को ये क्या ऑफर कर सकता है गनी? कुछ नहीं ऑफर कर सकता है, कोई इंसेंटिव ही नहीं है उनको पीस के लिए, नंबर वन। और दूसरी, लोग कहते हैं उसने कहा वी आर जॉइंट एट द हिप्स, शाजिया उसने कहा कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जॉइंट एट द हिप्स, नहीं, वी आर जॉइंट फ्रॉम द बैक बैक साइड। एक इस तरफ देख रहा है, एक उस तरफ देख रहा है। सैडली लेट मी से, ना कॉमन फ्रेंड्स हैं ना कॉमन एनिमीज है। और सबसे बड़ा झूठ उसका कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर रहा है हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में। तो जितने ये कॉन्सुलेट्स हैं ये सब टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, यकीन करें, वंडरफुल। ये सब जो है दाढ़ी वाले करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़फर हिलाली साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन का वक्त खत्म हो गया, शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।